नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। प्रधानमंत्री के घर इस वक्त कैबिनेट की मीटिंग चल रही है और सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स उस बैठक में मौजूद हैं। एक ऐसा बड़ा फैसला इस कैबिनेट मीटिंग में होने वाला है जिसके बाद 26 पार्टियों के INDIA इंडिया अलायंस में फूट पड़ सकती है। इस वक्त कांग्रेस और ममता बनर्जी की पार्टी लेफ्ट फ्रंट ऐसी करीब 20 पार्टियां चाहती हैं कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन, मतलब मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। अब आप कहेंगे कि मोदी के पास 300 से ज्यादा सांसद तो अपनी ही पार्टी के हैं, एनडीए को जोड़ दें आंकड़ा और बढ़ जाएगा, तो फिर विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव का क्या मतलब? दरअसल 26 की 26 पार्टियों को आज ये समझ में आ गया है कि मोदी झुकेंगे नहीं, मजबूर नहीं होंगे। कांग्रेस जिद पर अड़ी है कि मोदी को संसद में आकर मणिपुर पर जवाब देना होगा। ऐसे में एक रास्ता उनके पास है कि वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, लोकसभा स्पीकर के सामने खड़े होकर कहें कि हम मोदी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहते हैं। विपक्ष प्लान बनाए उससे पहले ही मोदी की पार्टी इस वक्त कैबिनेट मीटिंग में दूसरे प्लान पर काम कर रही है। अरविंद केजरीवाल सरकार की पावर कम करने के लिए अध्यादेश आया था, उस अध्यादेश को अब बिल की शक्ल में लोकसभा में पेश किया जाएगा, फिर उसे राज्यसभा से पास होना होगा। अगर यह बिल मोदी सरकार ले आती है तो फिर विपक्षी पार्टियों को हल्ला छोड़कर राज्यसभा और लोकसभा में बहस के लिए आना ही पड़ेगा। अब किसका प्लान चलेगा? मोदी ने आज तो इंडिया अलायंस के बारे में बहुत थोड़ा कहा, बहुत कुछ कल परसों के लिए छोड़ दिया। नरेंद्र मोदी ने जो कहा है वो भी सुनिए और जो होने वाला है वो भी देखिए। राहुल बोले मिस्टर मोदी। प्रियंका बोली प्रधानमंत्री जी। कांग्रेस बोली मिस्टर मोदी। सबकी टाइमलाइन पर मिस्टर मोदी। क्या है इस मिस्टर मोदी के पीछे की मिस्ट्री? अचानक ऐसा क्या हुआ है कि सारे विरोधी कहने लगे हैं, लिखने लगे हैं, बोलने लगे हैं मिस्टर मोदी, मिस्टर मोदी, मिस्टर मोदी, मिस्टर मोदी, मिस्टर मोदी, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। विरोधी इधर मिस्टर मोदी पर अटके, उधर मोदी ने 26 पार्टियों वाले इंडिया ग्रुप को कैसे दिए झटके पर झटके? मोदी को क्या बोलना है वो आज ही सुन लीजिए। मोदी कल क्या बोलेंगे ये आज ही जान लीजिए। मोदी के विरोधी कैसे अटैक करेंगे, क्या क्या बोलेंगे, प्रधानमंत्री को एक एक लाइन पता है। अचानक गोल पोस्ट शिफ्ट हुआ है, विरोधी मणिपुर नहीं इंडिया इंडिया करने लगे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष की टाइमलाइन पर इंडिया इंडिया, जयराम रमेश के हैंडल पर इंडिया इंडिया, दीदी की पार्टी के नेताओं के प्रोफाइल पर इंडिया इंडिया, नीतीश की पार्टी करे इंडिया इंडिया, आम आदमी पार्टी भी करने लगी है इंडिया इंडिया। मोदी के पॉलिटिकल दुश्मनों की वोकैबुलरी में मणिपुर साइडलाइन हो गया है, उनके गुट का इंडिया वाला नाम आगे हो गया है। मोदी ने एक एक लाइन पहले से नोट कर रखी है, विपक्ष के इंडिया वाले एजेंडे की पोल खोल दी है। पहले इसे 10 पॉइंट में समझिए। मोदी ने विपक्षी गठबंधन के इंडिया वाले नाम का मतलब कुछ इस अंदाज में समझाया, जो लोग सत्ता चाहते हैं और देश को तोड़ना चाहते हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन जैसे नाम रख रहे हैं, इनमें भी इंडिया आता है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI में भी इंडिया का नाम आता है, लेकिन लोग इससे गुमराह नहीं होंगे। ये कहकर मोदी ने 2024 के लिए BJP की नई लाइन सेट कर दी है, यानी अब विरोध वर्सेस प्रतिशोध की ये लड़ाई है। इतने अग्रेसिव, इतने गुस्से वाले मोदी 15 दिनों में पहली बार दिखे हैं और इसकी एक बड़ी वजह विपक्ष का रवैया है, विपक्षी नेताओं की भाषा है। संसद के भीतर, संसद के बाहर, सड़क पर, सोशल मीडिया पर उनका व्यवहार है। मंगलवार सुबह 10 बजे बंद कमरे में दो मीटिंग्स हुई, एक मीटिंग को मोदी ने लीड किया, दूसरी मीटिंग को कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने लीड किया। मोदी के साथ उनके साथी थे
खड़गे के साथ सारे कट्टर मोदी विरोधी थे। बीजेपी के संसदीय दल की बैठक में मोदी ने जो बातें कही वो बंद कमरे से बाहर निकली। परसेप्शन और नैरेटिव की इस लड़ाई में मोदी ने एक बार फिर बाजी पलट दी, 24 की पिच रेडी कर दी। हमको गर्व है अपने प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी पर, उन्होंने एक नई आशा जगाई है। आज 24 में भी हम ही आने वाले हैं। दुनिया भी यही जानती है, देश भी यही जानता है, विपक्ष भी ये समझता है, लेकिन बार बार विरोध करना, वो मान चुके हैं कि उन्हें सत्ता में नहीं आना। और उन्होंने एक बहुत बड़ी टिप्पणी की कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक अंग्रेज ने बनाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी भी अंग्रेजों ने बनाया था। आजकल लोग इंडियन मुजाहिदीन भी नाम रखते हैं, इंडियन पीपल्स फ्रंट भी नाम रखते हैं, तो चेहरे पे चेहरे लिखाते हैं, सच्चाई कुछ और है। और आज मैं कह देता हूँ, 24 का रिजल्ट आएगा ना, तो जो संख्या है ना, हारे हुए थके हुए निराश विपक्ष की, इनकी संख्या और कम हो जाएगी। जबकि विरोधी खेमे की मीटिंग में एक ही बात पर चर्चा हुई कि मोदी को कैसे रोका जाए, मोदी को कैसे घेरा जाए। विरोधियों का प्लान नंबर वन ही यही है कि मोदी को तो संसद के भीतर मणिपुर पर बोलना ही पड़ेगा। सरकार रूल 176 पर चर्चा के लिए रेडी है, मगर विरोधी रूल 267 पर अड़े बैठे हैं। अब तो यह भी खबर है कि विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन वाले प्लान पर काम कर रहा है, जबकि मोदी की पार्टी मणिपुर पर चर्चा के लिए फुल एफर्ट कर रही है। राजनाथ विपक्षी दलों के नेताओं को फोन घुमा रहे हैं, अमित शाह पहले ही चर्चा के लिए ओपन ऑफर दे चुके हैं, लेकिन विरोधियों का फोकस न अमित शाह है न मणिपुर के सीएम है, फोकस तो मोदी है। हर बात पे मोदी, दिन में मोदी मोदी, रात में मोदी मोदी, सुबह 10 बजे मोदी मोदी, रात के 12 बजे भी मोदी मोदी। ममता से लेकर केजरीवाल तक, राहुल से लेकर शरद पवार तक, हर कोई मोदी मोदी ही कर रहा है। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आती। प्रधानमंत्री जी कैसे आप खामोश रह सकते हैं, आप कैसे इतने संवेदनहीन हो सकते हैं प्रधानमंत्री जी, ये कैसा दोहरा चरित्र है आपका प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री को सदन में आके जवाब देना चाहिए, प्रधानमंत्री को सदन में आके बोलना चाहिए। प्रधानमंत्री जी सदन में आए, प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, मोदी जी को जवाब देना पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री चुप्पी साधे बैठे। विरोधी खेमे का मंच पूरी कोरियोग्राफी के साथ सजता है, मजमा लगता है, सारी पार्टियों के नेता इकट्ठे होते हैं, तालियां बजती हैं, शेरो शायरी होती है, रात में शायरी, दिन में शायरी, शायरी के हर शब्द में मोदी मोदी। सब्ज़वादी मेरी इन दिनों जल्द है, क्या बताऊं मेरा कौन हम दर्द है, मैं मणिपुर हूं मेरी सदाएं सुनो। संजय सिंह सेंटर में बैठते हैं, अगल बगल अपने गुट के लोगों को बिठाते हैं, हाथ में वही नीले रंग का इंडिया वाला पोस्टर लहराते हैं। शेरो शायरी का सिलसिला शुरू होता है और वाह वाह पर जाकर खत्म होता है। सर पटकने गली किसकी जाए सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को उनके बर्ताव की वजह से सस्पेंड किया गया, लेकिन अपनी गलती में सुधार के बजाय वो संसद परिसर में ही गद्दे चादर और कुर्सियां लेकर बैठ गए, सिर्फ लाइट कैमरा वाला स्टंट ही किया। ये स्टंट सिर्फ एक नेता ने नहीं किया, बारी बारी से सारे कैमरे पर आते रहे, मोदी वाला तराना गाते रहे। कोई नेता तो ऐसे भी थे जो एक बार नहीं, मंगलवार को दिन भर कई बार कैमरे पर आए, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि मोदी को कोस सकें, पॉलिटिकल स्कोर सेटल कर सकें। बयान वो बाहर देते हैं लोगों को भटकाने का, है अंदर आके आप अपनी बात रखो मणिपुर पे, और हमको ये कह रहे हैं कि इस ये लोगों का देश दिशाहीन है, इनको कुछ, अरे दिशा ही नहीं है, दिशा बताने वाले हम हैं, लेकिन
मोदी जी दिशाहीन हो गए हैं कि उनको अब क्या करना, किधर करना, कैसा करना, ये उनको समझ में नहीं आ रहा। आज एक प्रयास ये है कि कोई भी शख्स अगर मणिपुर के संदर्भ में आवाज उठाता है तो उसे धमकाया जा रहा है कि आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, हाउस से निकाल दिया जाएगा। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। ऐसे तो विपक्ष बचेगा ही नहीं, जितने विपक्ष के सांसद हैं सबको सस्पेंड कर दीजिए, सबको निकाल दीजिए। इंडिया ग्रुप के जितने सांसद हैं सबको निकाल दीजिए, क्योंकि आप लोग बहस नहीं चाहते। वो हर तरीके से प्रजातंत्र और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का हनन करने में लगी हुई है, उसका गला घोटने को भी तैयार है। इंडिया अलायंस जो उभर कर आया है कर्नाटका में, उसकी रूपरेखा बनी और मुंबई में एक ऐतिहासिक चैप्टर हम लिखने जा रहे हैं, उसको लेकर ये लोग हर तरीके से, जब से पार्लियामेंट सेशन शुरू हुआ है, इन्होंने कोशिश की है किस तरीके से विपक्ष को चुप कराया जाए। किस तरीके की परंपरा आप शुरू कर रहे हैं, किस तरीके की परंपरा आप न्यू इंडिया के तहत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं कहती हूँ ये न्यू इंडिया नहीं है, ये इंडिया भी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की मनमानी सोच है, मनमानी काम है और प्रजातंत्र का गला घोटने का काम है। विपक्ष की स्ट्रेटजी ही यही है, वो चाहती तो है कि मोदी संसद में बोले। पता उन्हें भी है अगर एक बार मोदी ने बोलना शुरू किया तो फिर उनका सारा कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा। इसीलिए एक प्लांट और कोऑर्डिनेटेड तरीके से संसद के दोनों सदनों को डिस्टर्ब किया जा रहा है। अगर कोई सदन में बोलने की कोशिश करता भी है तो विरोधी पार्टियों के नेता हाथ में तख्ती लेकर कैमरे के सामने हंगामा शुरू कर देते हैं। उनका मकसद ही यही है कि इस मुद्दे को जिंदा रखो, सिर्फ शोर शराबा ही करो। और ये सब तब हो रहा है जब गृह मंत्री ने खुद दोनों सदनों में अपोजिशन लीडर्स को बाकायदा चिट्ठी लिखकर चर्चा में आने की अपील की है। कांग्रेस अध्यक्ष को भी चिट्ठी लिखी है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को भी चिट्ठी लिखी है। लेकिन विपक्ष को न चिट्ठी से कोई फर्क पड़ रहा है और न ही वो चर्चा के मूड में दिख रहा है। विपक्ष तो सिर्फ मोदी मोदी ही कर रहा है, मोदी को ही निशाने पर ले रहा है। जब गृहमंत्री सदन में खड़े होकर विपक्ष को मणिपुर पर चर्चा का इन्विटेशन देते हैं, उस वक्त भी विरोधी नॉनस्टॉप मोदी मोदी ही करते दिखते हैं, अमित शाह को बोलने तक नहीं देते। मैं समझ सकता हूं अभी जो नारे लगा रहे हैं उनको ना सहकार में इंटरेस्ट है, ना सहकारिता में इंटरेस्ट, ना दलितों में इंटरेस्ट है, ना महिलाओं के कल्याण में इंटरेस्ट है। तो उनके नारे लगाना बहुत स्वाभाविक है, मगर मैं फिर से कहना चाहता हूं, मैंने आज दोनों सदन के विपक्ष के नेता को पत्र लिखा है कि कितनी भी लंबी चर्चा के लिए मैं तैयार हूं, सरकार को कोई डर नहीं है, चर्चा जिसको करनी है मणिपुर पर वो चर्चा करने आ रहे हैं, हमें कुछ छुपाना नहीं है। हमने दोनों विपक्ष के नेताओं को मैंने आज पत्र लिखा है। मैं कहता हूं कि जनता आपको देख रही है, चुनाव में जाना है, जनता के खौफ को ध्यान में रखे और मणिपुर जैसे संवेदनशील इश्यू पर चर्चा के लिए उचित माहौल सदन में बनाइए, ऐसी मेरी विनती है, आपका धन्यवाद। जो विपक्ष आज मणिपुर पर इतना शोर मचा रहा है, पता तो उसे भी है कि अगर मोदी ने संसद में बोलना शुरू किया तो विरोधियों का एजेंडा टिक नहीं पाएगा। अगर मोदी ने 90 मिनट भी बोला तो विपक्ष का दांव ही उल्टा पड़ जाएगा। वो पीछे से मोदी मोदी तो चिल्लाएंगे, कैमरे पर तख्ती भी दिखाएंगे, खूब हंगामा बरपाएंगे। मगर फिर जैसे ही मोदी सामने आएंगे विरोधी पीछे से चुपचाप भाग जाएंगे। पिछली बार भी तो यही हुआ था, इस बार भी यही होगा। जैसे आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि विपक्ष हताश है, निराश है, प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता को लेकर के इसलिए बहाना ढूंढ रहे हैं कि हम हाउस को डिस्टर्ब कैसे करें, हाउस को हाउस में हंगामा कैसे करें, इसलिए नया पैंतरा फेंक रहे हैं। जबकि हम कई मीटिंग कर चुके, उन्होंने कहा मणिपुर की चर्चा शुरू कराओ और हम हाउस को चलने देंगे। विपक्ष के एजेंडे को पंक्चर करने वाला पहला ट्रेलर मोदी ने मंगलवार को लॉन्च कर दिया और जो कुछ भी कहा सड़क से लेकर संसद तक विपक्ष का रिएक्शन उसी का आफ्टर इफेक्ट है। मोदी के शब्द थे, जब भ्रष्ट ठेकेदार ब्लैकलिस्ट हो जाते हैं तब वो भी नाम बदलकर ठेके पाने की कोशिश करते हैं। देश का नाम बदनाम करने वाले आज देश का नाम चुरा रहे हैं। वो भूल गए हैं
कि ईस्ट इंडिया कंपनी हो या इंडियन मुजाहिदीन, उनके नाम में भले ही ईस्ट इंडिया शब्द हो मगर देश फिर भी उनसे नफरत करता है। मोदी का इतना कहना था कि एंटी मोदी कैंप इंडिया वाला टेक्स्ट फिट करके बैठ गया, ताकत और आफत वाली तुकबंदी करने लगा। राहुल को मिर्ची तो इस बात की लगी कि मोदी ने उनके गुट के नाम की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से कैसे कर दी। 26 के 26 मोदी विरोधी गुट मोदी पर दाना पानी लेकर टूट पड़े। नाम बदलने से कुछ नहीं होता, लेकिन नाम तो रखा जाता है। तो हमने इंडिया ये जो नाम हमारे अलायंस पार्टी के लिए रखा, उनकी घबराहट क्यों? हमने भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो विपक्ष से इतना शर्माता हो कि वो सदन में जवाब देने से घबराता हो, ऐसा भी हमने प्राइम मिनिस्टर नहीं देखा। और यदि इंडिया से उनको इतना ही इससे नाराजी है तो अपना बीजेपी फॉर इंडिया हैंडल खत्म करें। प्रधानमंत्री देश का अपमान कर रहे हैं, प्रधानमंत्री देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान कर रहे हैं, प्रधानमंत्री इंडिया और भारत का अपमान कर रहे हैं। हम लोग फिर यही कहेंगे कि उनको चिंता है, डर है इंडिया से, इंडिया के अलायंस से, विपक्ष से। मोदी जी, आप विपक्ष को पानी पी पी कर गाली दीजिए, पानी पी पी कर कोसिए, लेकिन आज तो आपने मेरे देश को इंडियन मुजाहिदीन और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ खड़ा कर दिया है। आप हमारा सामना कीजिए, इंडिया का सामना कीजिए, लेकिन हम जानते हैं कि दिन अब थोड़े बचे हैं, रुखसती की बारी है, क्योंकि इंडिया को तो कभी किसी ने आज तक हराया ही नहीं है। मगर आज राहुल और कांग्रेस के इकोसिस्टम को 2020 का ये ट्वीट ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि तब इसी कांग्रेस ने मोदी सरकार की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से कर दी थी। यानी विरोधी खुद लिखें तो ठीक, मगर मोदी उनकी पोल खोल दें तो गलत। कौन किससे डर रहा है जी? हमने क्यों बोला, प्रधानमंत्री ने क्यों बोला बाद में, इंडिया 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 इंडिया, है ना? ये वैसे ही है जैसे हर विदेश यात्रा के बाद राहुल गांधी को नए प्रकार से पैकेज किया जाता है। राहुल गांधी अब प्रधानमंत्री बनने को तैयार हैं, देश का आशीर्वाद मिलेगा, याद है ना? ये काम चल रहा है 8-9 साल से, ब्रांडिंग, रीब्रांडिंग, पैकेजिंग, रीपैकेजिंग ऑफ राहुल गांधी। तो एक नया पैकेज है इंडिया, उनके तो अंदर ही में बहुत तफरका था। मैंने सुना है नीतीश कुमार अभी भी कोप भवन में है, चले गए वो बोले नहीं, छोड़िए उनका अंदरूनी मामला है। अगर आप इंडिया को इतनी बड़ी तस्वीर के रूप में पेश कर रहे हैं तो उसका जवाब देने में क्या परेशानी है आपको, क्या है भाई? इसे तो कहा कि इंडियन नाम रखने से कुछ नहीं होता है, इंडियन मुजाहिदीन भी हैं आतंकवादी, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया भी है आतंकवादी, और विदेशी संगठन भी थे इंडियन। आपने चेहरे पर कौन सा चेहरा लगाया है, आपके अंदर का चेहरा क्या है, वो एक सच्चाई है। बहरहाल अब तलवार खिंच गई है, विरोधियों का कोटा पूरा हो गया है, अब मोदी की बारी है, और प्रधानमंत्री के तेवर देखकर लग रहा है कि अब बात बहुत आगे तक बढ़ गई है। सोचिए, यही जुलाई का महीना था, संसद का यही मॉनसून सत्र चल रहा था। घड़ी को 5 साल पहले घुमाइए, 2019 के लोकसभा चुनाव से 8 महीना पहले टीडीपी को आगे करके कांग्रेस मोदी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आई थी, जिस पर वोटिंग हुई तो कांग्रेस नरेंद्र मोदी के खिलाफ जबरदस्त तरीके से हार गई। बस थोड़ी देर पहले कांग्रेस पार्टी ने अपनी सभी सांसदों को आदेश दिया है कि कल लोकसभा के अंदर उन्हें मौजूद रहना है। 3 लाइन का व्हिप जारी कर दिया गया है। किस लिए? इशारा बहुत साफ है कि कांग्रेस नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर कल ही आ रही है। नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है तो क्या होता है? सबसे पहले स्पीकर चेक करते हैं कि 50 से ज्यादा सांसदों के सिग्नेचर उस अपील एप्लीकेशन पर हैं कि नहीं, जिन्होंने साइन किए हैं वो संसद में मौजूद हैं कि नहीं। लोकसभा में कांग्रेस के पास अपने 50 सांसद ही हैं, लेकिन इससे ज्यादा सांसद हो जाएंगे। इंडिया गठबंधन इसीलिए किया गया है। कांग्रेस चाहेगी कि कल बहस ही शुरू हो जाए, प्रधानमंत्री को कल ही बोलने के लिए मजबूर कर दिया जाए, मगर प्रधानमंत्री बोलेंगे तो अपने समय पर। कल क्या क्या होगा और जब मोदी बोलेंगे तो कैसे सीन बदलेगा? क्या नरेंद्र मोदी के बोलने से कांग्रेस को नफा ज्यादा होगा या नुकसान? देश को जवाब दो, जवाब दो, जवाब
लोकसभा में नरेंद्र मोदी के अपने 301 सांसद हैं, जो बहुमत के लिए जरूरी नंबर से 31 ज्यादा है। एनडीए में बीजेपी के 38 अलायंस पार्टनर्स को जोड़ दें तो मोदी के पास टोटल 331 सांसदों का सपोर्ट है, जबकि विरोधी अलायंस का टोटल नंबर सिर्फ 131 सांसदों का है। लोकसभा में अन्य दलों और इंडिपेंडेंट्स के कुल 76 सांसद हैं। पांच सौ 43 सदस्यों वाली लोकसभा की 5 सीटें खाली हैं, गाजीपुर, चंद्रपुर, पुणे, अंबाला और वायनाड। बचे हुए 538 सांसदों में 270 पर बहुमत बनता है। मोदी के पास बहुमत से 61 सांसद ज्यादा है। क्या नरेंद्र मोदी इतने बड़े बहुमत के बाद भी हार सकते हैं? क्या नंबर गेम में 200 सीट पीछे चल रहे विरोधी मोदी को हरा देंगे? देश को जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, मणिपुर को न्याय दो। क्या अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग में मोदी सरकार गिर सकती है? अंक गणित का बहुत सिंपल कैलकुलेशन भी कहता है कि मोदी हार नहीं सकते। मोदी के विरोधियों को भी ये बात मालूम है, मोदी को हराना उनका इरादा है भी नहीं। मोदी को हराना नहीं है, मोदी को बस झुकाना है। नरेंद्र मोदी सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आके जवाब दो, जवाब दो, जवाब। मोदी को गिराना नहीं है, मोदी को बस सुनाना है। सदन में आओ, सदन में आओ, चुप्पी तोड़ो। भाजपा को अपार अपार बहुमत है, एनडीए के साथ और भी बहुमत है, हमें तो बड़ी खुशी होगी। उसमें चर्चा तो होगी, संवाद तो होगा, व्यंग तो होंगे, खिंचाई तो होगी, हम भी बोलेंगे। बहुत कुछ बोलने के लिए है इंडिया वाली टीम के बारे में, बोलेंगे, खुलकर बोलेंगे। ये भ्रष्ट लोगों की जमात है, इनके पास न कोई नेता है, न कोई नियत है, न कोई सदाशय है, न कोई समन्वय है। चलिए आइए बहस करिए, बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। लोकसभा में सरकार के पास नंबर की कोई कमी नहीं है। बीजेपी 301 सांसद, शिवसेना शिंदे 13 सांसद, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी 5 सांसद, चिराग पासवान की एलजेपी रामविलास 1 सांसद, अपना दल सोनेलाल 2 सांसद, सिमरनजीत सिंह मान की शिरोमणि अकाली दल अमृतसर 1 सांसद, अजित पवार गुट की एनसीपी 1 सांसद, ऑल इंडिया अन्ना द्रमुक AIADMK 1 सांसद, मिजो नेशनल फ्रंट 1 सांसद, नेशनल पीपुल्स पार्टी 1 सांसद, नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी NDPP 1 सांसद, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू 1 सांसद, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा 1 सांसद, नागा पीपुल्स फ्रंट 1 सांसद, कुल मिलाकर 331 सांसद। स्ट्रेंथ को देखने से ही स्पष्ट हो जाता है कि रिजल्ट क्या होगा। नरेंद्र मोदी सरकार के पिछले 9 साल के कार्यकाल को देखें तो प्रधानमंत्री के लिए इतिहास रिपीट हो रहा है। 2018 में जुलाई का यही महीना था, संसद का यही मॉनसून सत्र था, तेलुगु देशम पार्टी के एक सांसद ने मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रखा और कांग्रेस ने उसे सपोर्ट किया। तब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बांटे गए राज्य को विशेष दर्जा नहीं दिए जाने के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। 5 साल पहले अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान ही राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को गले लगाया था और प्रधानमंत्री ने पीठ थपथपाकर राहुल गांधी को शाबाशी दी थी। हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामे के उस 40 सेकंड को छोड़ दें तो राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच लोकसभा में तीखी बहस हुई थी। 2018 और 2023 में कुछ बातें कॉमन है।
2018 में मोदी सरकार के 5 साल के कार्यकाल के आखिरी मानसून सत्र में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। 2023 में भी यही हो रहा है। लोकसभा चुनाव से 8 महीना पहले मोदी का बहुमत टेस्ट लिया गया, इस बार भी वही करने की कोशिश है। 2018 में नरेंद्र मोदी 126 के मुकाबले 325 वोटों से विजयी हुए थे। 2023 में भी मोदी की विजय तय है। अगर कोई 50 सांसद या 50 से अधिक सांसद नो कॉन्फिडेंस मोशन पे साइन कर उसे स्पीकर साहब को सौंपते हैं, तो ये स्पीकर साहब की जिम्मेदारी बनती है कि वो उस नो कॉन्फिडेंस मोशन पर बहस करवाएं। एक लंबी चौड़ी बहस होती है और उस पर मतदान होता है और अंत में प्रधानमंत्री जी उस बहस को समाप्त करते हुए अपना पक्ष रखते हैं। तो हो सकता है कि विपक्ष चाह रहा हो कि प्रधानमंत्री जी सदन में आकर अपनी बात रखें, चाहे उस कारणवश इस औजार का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि सदन जब सत्र में है, संसद चल रही है, तो मणिपुर पे बयान देने से सरकार का कोई भी शख्स क्यों भागे। लोकसभा में जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पर बहस होती है तो प्रधानमंत्री को बैठना भी पड़ता है, प्रधानमंत्री को सुनना भी पड़ता है और प्रधानमंत्री को जवाब भी देना पड़ता है। मोदी के विरोध में इंडिया अलायंस बनाने वाले 26 दलों ने नो कॉन्फिडेंस मोशन का रूट क्यों चुना? विरोधियों के लिए ये फुल नैरेटिव की लड़ाई है, नंबर की लड़ाई में विपक्ष कहीं टिकता ही नहीं है। सुबह सुबह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का फोन आया। संसद में गतिरोध खत्म करने के लिए खड़गे ने 3 शर्तें रख दी। शर्त नंबर 1, मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री का बयान हो। शर्त नंबर 2, प्रधानमंत्री का बयान दोनों सदनों में हो। और शर्त नंबर 3, प्रधानमंत्री के बयान पर सवाल जवाब भी हो। रक्षा मंत्री के सामने शर्त ही ऐसी रखी गई जिसे मंजूर करने का मतलब होता विरोधियों ने मोदी को झुका दिया। सरकार ने शर्त नहीं मानी, इसलिए सेकंड रूट सिलेक्ट हो गया। कांग्रेस, तृणमूल, आम आदमी पार्टी, जेडीयू, डीएमके और शिवसेना समेत इंडिया अलायंस वाले सभी दलों को लगता है कि मणिपुर के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने का, मोदी सरकार की कमजोरियां गिनाकर संसदीय बहस में उसे ध्वस्त करने का और जनता के बीच अपना नैरेटिव सेट करने का यही समय है, सही समय है। सरकार पे विश्वास नहीं किया जा सकता, लोगों के अंदर ये संदेश देना जरूरी है। ये अंतिम औजार जिसका इस्तेमाल वो भी सरकार पे भरोसा नहीं किया जा सकता। नो कॉन्फिडेंस का मतलब ये होता है कि सरकार पे अविश्वास। प्रधानमंत्री मन से चाहे तो आ सकते हैं, अगर प्रधानमंत्री अभिषेक पुस्तक पे ना भी आए तो हम तो प्रधानमंत्री जी को ईडी सीबीआई के सामने हाजिर होने के लिए मजबूर नहीं कर सकते ना। अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं को लगता है कि दिल्ली अध्यादेश पर वोटिंग से पहले विपक्ष अपनी ताकत नाप ले। तैयारी सरकार ने भी कर रखी है। मोदी सरकार के मैनेजर्स को लगता है कि लोकसभा में बहस होगी तो सरकार को 9 साल के कामकाज का लेखा जोखा पेश करने का बेहतरीन मौका मिल सकता है। सरकार ये संदेश भी देना चाहेगी कि जनता के बीच नरेंद्र मोदी की पकड़ अब भी मजबूत है। विपक्षी दलों के विरोध और वॉकआउट के बीच भी सरकार अपने विधायी कामकाज निपटा रही है। मॉनसून सत्र के लिए 33 बिल लाइनअप है। होम एंड कोऑपरेटिव मिनिस्टर अमित शाह ने आज कोऑपरेटिव सोसाइटी बिल पेश कर दिया। विपक्षी सांसद नारे लगाते रहे, अमित शाह बिल के डिटेल बताते रहे। नो कॉन्फिडेंस मोशन विपक्ष का आखिरी ब्रह्मास्त्र है। इसमें विपक्ष स्पीकर के जरिए प्रधानमंत्री को मजबूर करता है कि वो सदन में रहें, चर्चा कराएं और खुद जवाब भी दें। ये ब्रह्मास्त्र उल्टा भी पड़ सकता है क्योंकि बहस होगी तो खुलकर बात होगी, मोदी भी सारे मुद्दे गिनाएंगे, ऑल आउट अटैक इधर से भी होगा तो उधर से भी होगा। आप मुझसे लिख लीजिए, लोग बहस करेंगे, प्रधानमंत्री जैसे ही प्रधानमंत्री हाउस में आएंगे ये चिल्लाएंगे, उनको बाधित करेंगे, वॉकआउट कर जाएंगे या उनको बोले नहीं देंगे। ये तो इनका ड्रामा देखा है उन्होंने 4 साल में। एक भी प्रधानमंत्री का भाषण इन्होंने ईमानदारी से सुना है क्या? जब प्रधानमंत्री जी व्यंग करते हैं तो कसकर व्यंग करते हैं, तो उठ के भाग जाते हैं। ये तो सच्चाई है। इसीलिए
यह हारा हुआ थका हुआ विपक्ष मान के चल रहा है कि उसे तो हारना ही है, इसलिए वही आचरण रखो। और एक बात मैंने दिन में सदन में कही, संसद में कही थी, और आज आपके चैनल पर दोहरा रहा हूं, 24 के चुनाव का रिजल्ट आएगा तो तमाम विपक्षियों की संख्या लोकसभा में आज से भी कम होगी, नोट कर लीजिए इसको आप। नो कॉन्फिडेंस मोशन जब संसद में पेश होता है तो वोटिंग होने तक कंक्लूड नहीं होता, चाहे बहस में एक दिन लग जाए, दो दिन लग जाए या तीन दिन लग जाए। 2018 में अविश्वास प्रस्ताव पर 11 घंटे लंबी बहस चली थी, नरेंद्र मोदी ने अकेले 90 मिनट का भाषण दिया था। अगर अविश्वास प्रस्ताव पर जल्दी चर्चा नहीं होगी तो क्या आसमान फट जाएगा, क्या भूकंप आ जाएगा, क्या न जाने, अगर चर्चा की तैयारी नहीं थी, 48 घंटे और देर कर दो तो फिर लाए क्यों। 1998 में अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिर गई थी। 75 साल के संसदीय इतिहास में 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है, इनमें से दो बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री की कुर्सी चली गई। 1978 में मुरारजी देसाई का इस्तीफा हुआ और 1998 में वाजपेयी की सरकार गिरी। अब आपको बताते हैं कि लोकसभा की संसदीय परंपरा में अविश्वास प्रस्ताव की इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है। लोकसभा का कोई भी सदस्य एक लाइन में अविश्वास प्रस्ताव रख सकता है, उसे बस ये बोलना होता है कि ये सदन मंत्रिपरिषद में अविश्वास व्यक्त करता है, मगर इसके पीछे के नियम बड़े ही सख्त हैं। नियम 198(1)(क) के तहत जो सदस्य अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहता है वो स्पीकर के बुलाने पर सदन से अनुमति मांगता है। नियम 198(1)(ख) के तहत सदस्य को अविश्वास प्रस्ताव की लिखित सूचना सुबह 10 बजे तक लोकसभा सेक्रेटरिएट को देनी होती है। नियम 198(2) के मुताबिक अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम 10% यानी 54 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। नियम 198(3) के मुताबिक अविश्वास प्रस्ताव मंजूर होने पर लोकसभा के सारे विधायी कार्य स्थगित हो जाते हैं, यहाँ तक कि क्वेश्चन आवर भी नहीं होता। नियम 198(4) के मुताबिक अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के अंत में स्पीकर वोटिंग कराते हैं और फैसले की घोषणा करते हैं। मतदान ध्वनिमत से भी कराया जा सकता है, लेकिन कोई सदस्य अगर मत विभाजन कराना चाहे तो स्पीकर इनकार नहीं कर सकते। रक्षा 25 जुलाई 2001 को दिल्ली में एक सिटिंग सांसद का दिन दहाड़े कत्ल हुआ था। वो सांसद फूलन देवी थी। आज फूलन देवी की हत्या को 22 साल हो गए, लेकिन आज भी फूलन के नाम पर पॉलिटिक्स चल रही है। इसकी वजह है वोटर नदिया किनारे वाला। मकसद है 60 सीटें जहां पर निषाद समुदाय सांसद बनाने की चाबी अपने पास रखता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतने बड़े वोट का कोई ऑल इंडिया लीडर नहीं है, बल्कि सब रीजनल लीडर हैं, या फिर यूं कहें कि अपने अपने इलाके के नेता हैं। आज इस वोट इस समुदाय के एक एक लीडर, सब जानकारी इस रिपोर्ट में आपको देंगे। 24 में निषाद वोट किसके साथ होगा? क्या बीजेपी के मिशन 80 के खेवनहार होंगे निषाद? यूपी में 5% निषाद, किसकी बनेगी बात? डॉक्टर संजय निषाद और उनकी पार्टी यूपी में बीजेपी के साथ है। संजय निषाद प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर में पीएम मोदी की बड़ी रैली कराना चाहते हैं। बीजेपी का भी संजय निषाद पर लगातार भरोसा बढ़ता जा रहा है, तो उसकी वजह वोट है जो निषादों का है। गोरखपुर, गाजीपुर, बलिया, संत कबीर नगर, मऊ, मिर्जापुर, वाराणसी, भदोही, प्रयागराज, फतेहपुर, जौनपुर, अम्बेडकर नगर, अयोध्या, सहारनपुर, हमीरपुर जिलों में निषाद वोटर्स अच्छी खासी तादाद में हैं।
यूपी में निषाद वोटर्स की रहनुमाई का दावा डॉक्टर संजय निषाद करते हैं और अपनी पार्टी का नाम भी निषाद पार्टी यानी निर्बल इंडियन शोषित हमारा दल रखा है। संजय निषाद इसी वोट बैंक के सहारे ही यूपी में सियासत को धार दे रहे हैं। विधानसभा से लेकर लोकसभा तक उनकी पार्टी की मौजूदगी है। यूपी में संजय निषाद की पार्टी के 6 विधायक हैं। संजय निषाद खुद यूपी सरकार में मंत्री हैं। संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद संत कबीर नगर से बीजेपी के सांसद हैं। तो एक संजय निषाद के छोटे बेटे सरवन निषाद गोरखपुर की चौरी चौरा सीट से विधायक हैं। लेकिन इतनी मजबूती संजय निषाद और उनकी पार्टी को बीजेपी के साथ आने से ही मिली। अब इसी ताकत को संजय निषाद 24 के चुनाव में इनकैश करना चाहते हैं। यूपी में निषाद जाति के करीब 5% वोट है, जिनमें मुख्य रूप से मल्ला मांझी निषाद धीवर बिंद केवट आते हैं। ये जातियां मुख्य रूप से नदी के किनारे वाले इलाकों में पाई जाती हैं। यूपी के 15 जिलों में करीब इनकी संख्या 14% के करीब है और इसी को संजय निषाद अपना पॉलिटिकल टूल मानते हैं। निषाद वोट की इसी ताकत पर 24 में सभी पार्टियों की नजर है। अखिलेश यादव से लेकर बीजेपी सभी पार्टियां निषाद वोट को अपने पाले में करना चाहती हैं, क्योंकि माना जाता है कि ये निषाद वोटर्स एक साथ इंटैक्ट होकर वोट करते हैं। लेकिन निषाद वोट में भी कई दावेदार हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।